सो गाइस, ये जीप में नया चीज़ किया हूँ। नया चीज़ क्या किया हूँ कि ये पीछे का जो रूफ है, यहाँ पर लोग बैठते थे तो क्या होता था कि यार गर्मी काफ़ी लगता था। ठीक है, अंदर जो बैठता था उसको बहुत ज़्यादा गर्म लगता था। कुछ रिलेटिव को मैं कल लेके गया था पास में ही, करीब 10 किलोमीटर के आसपास के रेंज में ड्राइव किया था मैं। तो पीछे लोग बैठा हुआ था, दो तीन लोग, तीन लोग, और हम दो लोग सामने थे। तो हवा जो है सही से नहीं आता था, पता है अंदर, क्योंकि पूरा लॉक था, तो गंदा हवा जो है वो निकल नहीं पा रहा है, तो फिर हवा घुस नहीं पा रहा है, वो एक दिक्कत था। तो अभी क्या किया हूँ कि जीप का जो रूफ है उसको मैं यहाँ यहाँ से काट दिया हूँ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ताकि यहाँ से ये हवा जा सके इस साइड से। ठीक, पीछे से भी काट दिया हूँ, पीछे का भी देख लो, पीछे का जो ऊपर से काट लिया हूँ इस तरह से। ठीक है, डिजाइन से काटा जो कि उसमें मैच कर जाए, ज़्यादा वियर्ड ना लगे, इस तरफ से भी वैसे ही। ठीक है, और अब जो चला के देखा हूँ, अब जो है फ्रेश हवा घुस पाता है अंदर, क्योंकि गर्म हवा जो है साइड से निकल पाता है, जिसकी वजह से जो है सही है। ठीक है, अब सही है। देखो, जीप का जो मज़ा है रूप खोल के ही है। ठीक है, जीप का जो है मज़ा रूप खोल के ही है। और मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूँगा कि भाई, आपका अगर शौकीन गाड़ी है, मतलब ऑलरेडी एक बैकअप गाड़ी है, तो आप यार बिना रूफ वाला लेना। ठीक है, बिना रूफ का स्टार्टिंग से बोलना कि मुझे रूफ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर बहुत सारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो जो रॉड निकालता है ना, वो जोड़ने वाला, वो सब देगा नहीं, तो गाड़ी उसमें देखने में स्मूथ दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये रॉड लगाने के लिए जो है उसको जो वेल्डिंग करके बहुत सारा पार्ट्स उस पर जोड़ना पड़ता है, जो कि बाद में दिक्कत करता है। ठीक है, लेकिन अगर चाह रहे हो कि सिटी एरिया में चलाना, जहाँ पर पुलिस वगैरह रहता है, तो वहाँ पर एक ड्रामा है सीट बेल्ट का। तो सीट बेल्ट का समस्या है कि आप बिना रूफ का सीट बेल्ट नहीं बांध पाओगे इसमें। ठीक है, रूफ के साथ ही सीट बेल्ट का सिस्टम है। देखो, यहाँ पर जो है ना कोना में जो रूफ लगा हुआ है, यहीं पर जो सीट बेल्ट का सिस्टम है, यहाँ से फिर उसमें घुसता है वो। ठीक है, यहाँ से उसमें, यहाँ से घुसता है, तुम लोग दिखाना चाहूँगा। ठीक है, देखो सीट बेल्ट इसका कोई काम लायक नहीं होता है, ऐसे बस सो रहता है, लेकिन तब भी ये तुमको फाइन से बचा लेगा। देखो, एकदम सिंपल सा ये रस्सी है जो पतला सा रॉड में जुड़ा हुआ है। ठीक है, सीट बेल्ट यहाँ पर जो है इस तरफ से, इधर जो है, इधर भी एक फीता होगा, यहाँ पर देखो एक फीता है, देख दिखा दे रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से घुस जाएगा इसमें, और ये तुम्हारा सीट बेल्ट का काम करेगा ये। ठीक, तो सीट बेल्ट जो है तुम्हारा सीट एरिया में ज़रूरी पड़ जाता है, इससे क्या तुम्हारा फाइन नहीं मारेगा वो। ठीक, बोलो जो है फाइन नहीं मारेगा पुलिस वाला। ये सीट बेल्ट में क्या है, सीट बेल्ट कितना कमज़ोर है, सो है, ये है, सब नहीं, बस दिखना चाहिए कि हाँ तुम कुछ पहने हुए, बस उसमें फाइन नहीं लगता है। ठीक है, वहाँ तुम सिटी एरिया में चला रहे हो तो चांस रहता है कि तुम्हें परेशान करे पुलिस वाला। हालांकि नॉर्मली वो जीप को नहीं हाथ देता, सोचता है कोई दबंग आदमी का ही होगा। तो देखो, जीप हो गया या बोलेरो हो गया, फॉर्चुनर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, ये सबको गाड़ी में लोग जल्दी हाथ नहीं देता है, सोचता है दबंग आदमी का होगा, वो नेता होता तो कहा होगा, बंदा बाबा फ़ोन लगाने लगे, जहाँ तक फ़ोन दिखाने लगे, इसलिए जो है लोग जो है ज़्यादा गाड़ी को नहीं रोकता है। फिर भी मेरे ऐसे लोग के लिए यार ज़रूरी है कि, प्लस ये धूप से बचाता है यार, एक चीज़ है। ठीक है, अगर सिर्फ शौकीन है आपका तो यार जरूरत नहीं है रूफ का, सुबह शाम निकलोगे, लेकिन चाह रहे हो कि थोड़ा बहुत मार्केटिंग मार्केटिंग में यूज़ किया जाए, सिटी टी में घुमाया जाए, तो रूफ लगा रहेगा तो यार कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब हर टाइम का ही लेकर निकल सकते हो। बिना रूफ का क्या है कि बस सुबह शाम, मैं स्टार्टिंग में सुबह शाम वाला ही रिकमेंड कर रहा था, मतलब बिना रूफ का ही रिकमेंड कर रहा था, अभी मैं रिकमेंड करूँगा बिना रूफ का, लेकिन वो आपके चलने का ऊपर है। ठीक है, मेरा क्या है कि मेरा जो है दोपहर को मैं निकल जाता हूँ कभी कभी, तो इसीलिए यार इसको लगा लिया। ठीक है, माइलेज इसका मैं क्या करूँगा, एक दिन जो है इसको पूरा खाली करूँगा टंकी को, मतलब पूरा तेल जला दूँगा, अब जो तेल में भराने वाला नहीं हूँ, तेल पूरा ख़त्म हो जाएगा जीप का, तो फिर 3 लीटर लेकर रखूँगा मैं, 3 लीटर जीप को खाली होने दूँगा, उसके बाद फिर चला के देखूँगा कैसे चलता है 3 लीटर, क्योंकि इसका गाड़ी की समस्या क्या था जीप में कि आप 1 लीटर तेल दोगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 लीटर में तेल स्टार्ट नहीं होगा जीप पे, जीप जो है 1 लीटर तेल में स्टार्ट ही नहीं होता है। ठीक है, कम से कम 2-3 लीटर तेल, 3 लीटर का तेल चाहिए, तब वो उसको उतना पैसा बनेगा कि गाड़ी स्टार्ट हो। ये मैं देखा हूँ, जब फर्स्ट टाइम जीप लिया था तो यार तेल नहीं था, तो पहले मैं 1 लीटर डाला, स्टार्ट नहीं हुआ, 2 लीटर डाला, उसमें भी नहीं हुआ, 3 लीटर दिया, प्रेशर बना, तब जाकर यार जीप स्टार्ट हुआ, तो एक है एक दिक्कत। ठीक है, तो 3 लीटर मैं लेके डालूंगा, उसके बाद जो फिर चला के देखूंगा, फिर देखेंगे कितना माइलेज देता है रियल का माइलेज, और मेरा जो जो रूट रहेगा दोनों मिक्स रहेगा, ऑफ रोड रहेगा और ऑन रोड भी रहेगा, दोनों मिक्स करके देखेंगे कितना माइलेज देता है इस तरह का। ठीक है, इंजन काफ़ी पुराना है, और जितना पुराना इंजन होता है यार धीमे धीमे उसका माइलेज कम तो जाता है। हाँ, ये बात भी है कि जितना पुराना इंजन है उतना सिंपल रहता है, प्लस इसमें एसी वगैरह नहीं है, तो हो सकता है कि माइलेज ठीक दे, यही बात है।
हाँ ये बात भी है कि जो नया इंजन आ रहा है सब डीजल इंजन, वो सबको ऐसा बनाया जाता है कि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे सके, ठीक है। और अभी तो बहुत सारा गाड़ी में 3 सिलेंडर इंजन आ रहा है जो कि और अच्छा काम करता है, ठीक है। सो गंदा हवा निकलने के लिए मैं छेद कर दिया हूँ, अब मस्त है। अगर आप लोग भी ले रहे हो, रूफ यूज़ कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई ये खोल देना पीछे का साइड का, दो दो 3 दिन को छेद जो भी हो, जैसे मैं किया हूँ। विश्वास करो उसके बाद पीछे बैठने में मज़ा आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको भी फ्रेश हवा मिलने लगे। क्योंकि आप मान लो यहाँ बैठे हुए तो आपको फ्रेश हवा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप जो जो गर्म हवा है जो अंदर है तो उसको बाहर निकल जगह नहीं मिल रहा, तो आपको जो वो फ्रेश हवा ठेलेगा नहीं आपको। और जब अंदर से गर्म हवा निकल पा रहा है तो फ्रेश हवा और इधर से जाएगा, तो चलाने का और मज़ा आएगा, ठीक है। सो और जल्दी मैं एक ठो मंगा रहा हूँ, एक वॉशिंग करने वाला मशीन मंगा रहा हूँ, जिससे मैं जीप वगैरह सब गाड़ी वगैरह जो वॉश कर सकूँ उससे। उसके बाद ये मस्त चमकेगा, क्योंकि यार मैं धोता नहीं हूँ उसको, एक दिक्कत है। आज जो बारिश में निकाल के खड़ा कर दिया था कि अपने आप साफ़ हो जाए, और ये साफ़ हुआ भी था अपने आप, लेकिन उतना कुछ खास नहीं, ठीक है। तो मशीन आता है जैसे कार वॉश करने वाला, मैं वीडियो बना के दिखाऊँगा आपको क्या है क्या नहीं, ठीक। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।